आपका जर्नी फ्रॉम जॉब टू योर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओमान में कितना वैक्यूम मौजूद है जॉब्स को लेकर लाइसेंसिंग का प्रोसेस है फॉर इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है वेरिफिकेशन होता है एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन दैट इज ऑनलाइन एग्जाम जिसको बोलते हैं प्रोमेट्रिक एग्जाम इंडीड है यू जस्ट सर्च हॉस्पिटल इन ओमान वैकेंसीज आप Uh, for government job, government sector and as okay. well as private sector? Because you meet the decision makers personally. You traveled to Dubai in every week? Yeah, I have a small setup over so, there. Have... Dubai, Dubai and Oman. Vacancies have gone down drastically okay. in okay. Dubai market. Okay. Uh, the salary structure is going way too low. Within okay. Indeed, I have they are all sitting there on visit visas. Oh. The quality of life that is more important. Definitely. More and more you become older in this practice. सिंगल स्पेश के साथ सिंगल डॉक्टर की प्रैक्टिस के साथ मैं अपना setup run कर सकता हूं? अगर आप खुद practice करने वाले हैं, वो चैलेंजेस तो नहीं है हमारे लिए यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक सक्सेस का एक मंत्र है यहाँ का कि फॉलो द रेगुलेश जो फैक्टर्स उसमें आ सकते हैं कि यहाँ फ्लो कैसा है उस वहाँ पे पेशेंट्स कैसे हैं।

आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के मैं एक जबरदस्त किस्म का आपको इंट्रोडक्शन करवा सकूँ बग़ैर कुछ मुबालक रईकें डॉक्टर दानिश पीडियट्रिशन है में, he's in so since, uh, years, and, uh, अभी डिस्कशन भी हो रही थी हमारी हमारे तो बिल्कुल फैमिली डॉक्टर हैं माशा हमारी बल्कि सारे फैमिली मेबर्स के फैमिली डॉक्टर हैं आपका जर्नी फ्रॉम जॉब टू योर इंडिपेंडेंट बिजनेस हिस वाइफ़ माशा इज गाइनाकोलॉजिस्ट आपके भाई आपकी भाभी माशा एक बड़ा एक जबरदस्त किस्म का सेटअप सुहार में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस रन कर रहे हैं मेरा लास्ट विजिट हुआ मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कोई कुछ कुछ हमारे क्लाइंट्स के सवाल हैं क्वेश्चन हैं कुछ आपका एक्सपीरियंस हम अपने व्यूज़ के साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे सो वंस अगेन स्टार्ट में डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए एंड अभी रात के साढ़े दस बजे ज़बरदस्ती हम आप वहां से आए एंड लाइक आपकी मोहब्बत है आप हमारे बीच में इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर साहब कुछ क्वेश्चन हैं मेरे पास मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस से उनको प्रिसाइजली ब्रीफली जिस तरीके से आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर जरूर शेयर करें फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं स्पेशली इंडिया पाकिस्तान डेफिनेटली हमारे डॉक्टर्स मेल फीमेल्स जॉब्स के हवाले से हमें किस किस किस्म के वाइवास टेस्ट किस किस प्रोसेस से गुजरना है ओमार में कितना वैक्यूम मौजूद है जॉब्स को लेकर अपने एक्सपीरियंस लाइक मतलब एक शॉर्टेस्ट इजीएस्ट एंड द प्रॉपर वे टू एंटर इन दिस मार्केट के अगर कोई भी इस अपॉरचुनिटी को अवेल करना चाहता है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओमान जो है इट इज अ पार्ट ऑफ एवरीबडी नोट इज अ पार्ट ऑफ अंट्री यहाँ पर हेल्थ uh, केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी गई है द रेगुलेश वेरी स्ट्रिंजेंट एक हिसाब से वी इनिशियली विल फील कि नहीं ये बहुत ज्यादा ज्यादा होती है कि वाइल सेटिंग अप की आ, ये रेगुलेशंस वो रेगुलेशन बट इन द लॉन्ग टर्म आपको ये लगता है कि ये आप ही के भले के लिए था डेफिनेटली हाँ जी जो भी रेगुलेशंस होती है उनकी सो इट्स गुड फॉर अ बिजनेस ओनर कोर्स यू विल फील कि थोड़े से ज्यादा डिफिकल्टीज हैं बट इन अ लॉन्ग रन इट इज अ पॉजिटिव थिंग सेकेंडली आपका लाइसेंसिंग का प्रोसेस है फॉर इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर फॉर जॉब्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना होता है कि आपकी जो डिग्रीज हैं वेदर दे आर इन द एलिजिबल लिस्ट और नो ठीक है, in the, in the no. okay. है? Uh, आपके सारे जो क्वालिफिकेशन होते हैं बेसिकली आप ग्रेजुएशन uh, कहीं से करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो वो कोई एक रिकग्नाइज uh, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए वो एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम होना चाहिए uh, और उन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है वेरिफिकेशन होता है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दैट इज द एक्सपीरियंस ऑल्सो सो दे रिक्वायर लास्ट थ्री इयर्स और फाइव ईयर्स और एज पर द डिफरेंट स्पेशलिटी आप किस लेवल पे uh, एंटर करना चाह रहे हैं uh, एक तो होता है कि मेडिकल uh, ऑफिसर है लाइक पोस्ट एम हो उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फिर देर कुड भी स्पेशलिस्ट इट कुड भी जूनियर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट सीनियर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट सो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज सो एज पर देट ओमान के अंदर दे रिक्वायर आर डिफरेंट क्वालिफिकेशन खैर वो चीज़ें जो है इन डिटेल देखी जा सकती है कि वॉट आर द रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट बट आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस uh, हैं या सर्टिफिकेट्स हैं उसको एक प्रोसेस uh, करते हैं जो वेरिफिकेशन का उसका डेटा फ्लो बोलते हैं सो so, आपको uh, जब गूगल पे सर्च करोगे तो डेटा फ्लो का एक ऑप्शन uh, आता है व्हेन यू सिलेक्ट ओमान तो उसमें सारा इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इट इज़ अ लिटिल टाइम टेकिंग प्रोसेस लाइक ऑलमोस्ट अ वन मंथ से लेके दो महीने का टाइम लग सकता है डिपेंड्स अगेन की उन्होंने आपकी यूनिवर्सिटीज को भेजना है लेटर okay. आपके प्रीवियस uh, जहाँ पे काम किया है होगा होगा या medical college हो तो वहां पे वो लोग भेजते हैं एक ईमेल भेजते हैं टू कंफर्म वेदर दिस पर्सन or वर्किंग no. फाइन uh, आपका लाजिम है कि रजिस्ट्रेशन uh, होना चाहिए इन द प्रीवियस कंट्री जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहां का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है या, कि देर इज नो एनी मेडिकल इश्यूज या कोई आपके माल प्रैक्टिस नहीं थे उन चीज़ों का एक वेरिफिकेशन होता है दैट इज वन स्टेप देन देर इज एन एग्जाम ओके इज एन ऑनलाइन एग्जाम जिसको बोलते हैं प्रोमेट्रिक एग्जाम वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से आप वहीं से बैठे दे सकते हैं प्रोमेट्रिक एग्जाम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं होती है इट uh, विल कवर द एंटायर सब्जेक्ट जिस स्पेशलिटी में आप जा रहे हैं तो वो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एक पूरा वेटेजेस होते हैं कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूके के हैं या यूएस के मोस्टली फॉलोज ओमान फॉलोज यू के पैटर्न फॉर मोस्ट ऑफ द आप किसी भी चीज ले लें चाहे वो ड्राइविंग की साइड ले लें वो यूके की पैटर्न है yeah, हाँ जी तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ओमान फॉलोज इज यू के पैटर्न सो जो यूके के एग्जाम्स होते हैं उस चीज़ के लिए जो प्रिपरेशन के लिए आपने जो बुक्स यूज़ करनी है या उसके लिए जो क्वेश्चन यूज़ करने हैं उसी पे आप प्रिपेयर करें यू कैन अपियर फॉर एग्जाम चाहे आप इंडिया में हैं चाहे पाकिस्तान में हैं या किसी और भी कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव दी सेंटर्स जहाँ पर जाकर के आपने प्रोमेट्री देना होगा एंड अगर प्रोमेट्री क्लियर हो जाता है उस स्पेशलिटी के अंदर कभी कभी जो है वाइवा भी रिक्वायर्ड होता है सो फर्स्ट so, प्रोमेट्रिक जब क्लियर हो जाते हैं देन यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब सम ऑफ द हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर और वीजा वगैरह लगेंगे फिर उसके बाद फाइनल लाइसेंस बनेगा एंड देन यू स्टार्ट योर जॉब सो इस पूरे प्रोसेस में समझो तकरीबन दो से तीन महीने का टाइम लग सकता है मैंने जॉब सर्च कहाँ द प्रोसेस विच यू हैव एक्सप्लेन वेरी वेल एक्सप्लेन मुझे ये सारा प्रोसेस करने के लिए मुझे हंट कहाँ पर करना है अपनी स्पेसिफिक वैकेंसी को अभी इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं तो एक तो प्राइवेट हो जाता है एक गवर्नमेंट हो जाता है गवर्नमेंट में तो कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान दे यूजुअली कंडक्ट इंटरव्यूज इन योर कंट्री इट्सल्फ ओके फाइन थ्रू ओके सो आई दिन एडवर्टाइजमेंट्स uh, आती रहती हैं कि दे आर कमिंग टू दिस सिटी ऑन दिस एंड दिस डेट तो वो वहां पे पूरा उनका सेटअप लेकर के दे विल कम टू योर सिटी एंड वहां से रिक्रूटमेंट डायरेक्टली हो जाती है तो वहां पे से प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है ओके सो ऑल द इंटरव्यू राउंड आपका एग्जाम uh, वगैरह भी जो है उन्होंने वहीं पे वाइवा ले, ले लेना है

या स्कूलिंग के लिहाज से समटाइम्स यू फील दैट आई वांट टू बी इन अ कैपिटल सिटी आई वांट टू बी इन दिस तो हो सकता है कि यू मे गो इन पेरीफरी आल्सो फाइन एक उसका इजी ये है कि uh, जो स्पेशलिस्ट वगैरह जो होते हैं या सर्जनस uh, हैं या तो वो जनरली दे बी इन बिगर सिटीज फाइन मेडिकल ऑफिसर्स दे मे बी प्लेस्ड इन पेरीफरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह में दिस इज वन थिंग बट मेजोरिटी ऑफ द सिटीज़ जो भी हैं बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे तो आजकल हर हाँ जगह स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं एंड इट इज़ क्वाइट अ लिवेबल सिटीज ओनली बट अगर किसी का पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस हैं कि इसी सिटी में मुझे जाना है किसी वजह से यानी सो दैट मे बी अ लिटिल डाइसी क्यों आप आने के बाद हो सकता है कि यू विल बी प्लेस्ड इन सम वेरी डिफरेंट सिटी रिमोट एरिया और समथिंग लाइक या हाँ जैसे सलाल ये हो गया कोई बंदा उसकी फैमिली या कोई लोग यहाँ पे सोहार में है या मस्कत में है बट आपकी प्लेसमेंट सलाल आ गई तो कैन वो हाँ वो थोड़ा सा वहाँ से ट्रांसफर होना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि प्रोबेबली आप छः महीना ले यू गिव अ रिक्वेस्ट एंड देन दे में प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसे देर आर सर्टन प्लेटफॉर्म्स जैसे इंडीड है या गल्फ गल्फ जॉब्स ऐसे कुछ नौकरी नौकरी गल्फ एक नौकरी पोर्टल है यस और देर सटन मोब एग्जांपल आप बदलसमा ग्रुप ले लें। yes. उनका खुद के वेबसाइट पे, पे पेज होता है का उसमें आप अप्लाई करेंटर ग्रुप है मेजॉरिटी आप आज के टाइम पे मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन एंड वो वाली नहीं, नहीं, रही। नहीं, रही। नहीं यू जस्ट सर्च हॉस्पिटल वैकेंसीज आप डालें वो कीवर्ड्स प्लेस करें तो मोस्टली यू विल गेट द वैकेंसीज कहाँ कहाँ हैं और बहुत जो छोटे जो सेटअप्स हैं वो ऑफकोर्स देर विल बी सम लिंक्स आप किसी को कॉन्टैक्ट करें ग्रुप्स रहते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स के हमको रिक्वायरमेंट है यहाँ रिक्वायरमेंट है और मेडिकल रेप्स जो हैं यहाँ पर अगर किसी तरह से उनके कॉन्टैक्ट्स में आ जाए क्योंकि वो हर हॉस्पिटल घूमते हैं उनको तो पता yes, ही होता है सो देयर मल्टीपल वेज आपके थ्रू uh, भी अगर कोई आपके पास आते हैं इनक्वायरीज वगैरह सो वी ट्राई टू गेट देम कनेक्टेड इन द सर्कल्स इन एनी काइंड ऑफ एज लिमिट फॉर गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट सेक्टर एंड एज़ वेल एज प्राइवेट सेक्टर

ठीक okay. है बिकॉज यू मीट द डिस बहुत ज्यादा यहाँ पर रेड टेपिंग तो नहीं है कि नहीं पीपल आर एक्सेबल बड़े से बड़े ग्रुप डिस आर एक्सेसिबल सो वंस यू मीट दम पर्सनली इट मेक्स अ बेटर केसवेज अ गुड आइडिया कि अगर इफ इट इज पॉसिबल टू कम डाउन एंड बट उसके पहले के जो रिक्वायर्ड चीजें हैं देखें होता ही है कि कुछ लोगों का अभी तक के ना डेटा वेरिफिकेशन हुआ है ना प्रोमेट्रिक हुआ है not. वो अभी आकर के जॉब सर्च करें तो जो लेने वाले जो होते हैं जो जॉब देना जनरली हरी yeah, तो वो उस कैंडिडेट पे ज्यादा नहीं फोकस करेंगे जिनका अभी तक के ना डेटा वेरिफिकेशन हुआ है ना एग्जाम क्लियर हुई है प्रोमेट्री क्लियर कर okay. फ्लो कर किस का डे फॉर डे आपकी प्रैक्टिस है प्रैक्टिस नहीं है आई हैव अ स्मॉल सेटअप ओवर देयर माशाल्लाह हां जी डिफरेंस वैकेंसीज के हवाले से या स्पेसिफिक फील्ड okay. के हवाले से दुबई एंड ओमान दुबई में डॉक्टर अच्छा दुबई में एंट्री जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा इजी हो गई है ओके okay. क्योंकि जो प्रोसेसेस हैं दे आर अ लिटिल फास्टर ओवर देयर ऑफ लेट इन लास्ट 1 ईयर

तो so, बहुत से लोग हैं अभी क्योंकि जब इंटरव्यूज लेते हैं एक पोजीशन के लिए तो विदिन indeed पे मैंने पोस्ट डाला है एंड विदिन सिक्स टू 7 आवर्स 150 जीपीस ओह फिफ्टी फिजीशियंस की एप्लीकेशंस हैं ओह दे आर ऑल सिटिंग देयर ऑन विजिट वीजा ओह सर्चिंग फॉर जॉब्स ओह लाइसेंस हाथ में है ओह oh. एंड uh, थोड़ा सा वहां पे ओवर uh, सप्लाई uh, हो गया है

इंडिया पाकिस्तान या किसी और फॉर दैट मैटर इवन बहुत सारे यहाँ इजिप्शियन है मोर देन सैलरी एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट इज मोर इम्पोर्टेंटिनेटली क्योंकि एक चीज आईवेज इस प्रोफेशन के अंदर कि जो आपका प्रीमियम होता है ना इसमें जो आर जो बोलते हैं या एक इन्वेस्टमेंट के लैंग्वेज में बोलते हैं कि नहीं इनिशियल ईयर्स में यू इन्वेस्ट उतना रिटर्न्स नहीं होता है तो फिर लास्ट वाले जो साल होते हैं ठीक है आपके रिटायरमेंट के पास वाले दैट ईयर्स गिव यू द मैक्सिमम सो तो अगर आप कहीं मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और खासकर प्राइवेट में Uh, आपका ये जॉब वाला ये नहीं है इफ़ यू आर इन प्राइवेट सेक्टर सो थिंक एटलीस्ट फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स रादर थर्टीन इयर्स थर्टी ईयर्स और उस जगह पे आप सेटल uh, हो जाए क्योंकि मोर एंड मोर यू बिकम ओल्डर इन दिस प्रैक्टिस थिंग्स आर गोइंग टू बी ईजियर डेफिनेटली ठीक है सो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो ओके तो आप पूरा उसका पहले स्टडी कर लें वेदर दैट प्लेस इज लिवेबल इन टर्म्स ऑफ योर नेक्स्ट जनरेशन ठीक है कि, right. uh, आपकी फैमिली आपको रेज करनी है ठीक है बिकॉज जहां पे होंगे uh, वहीं पे फैमिली साथ हो सो यू आर रिलैक्स बेसिकली बहुत से लोग होते हैं कि फैमिली कहीं और है दे आर जस्ट वर्किंग हो रही है बट देट अगेन इज अ टेम्पररी अरेन्जमेंट

आपके बच्चे पीछे कहाँ है क्या है वो आपको सोचना नहीं है डॉक्टर साहब मेरी स्पेशलिटी है एज अ डेंटिस्ट एज एन आई स्पेशलिस्ट और लाइक सडन डिफरेंट मेरे पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं माशाल्लाह आप जैसे सेटअप एक स्टार्ट कर सकूं सिंगल स्पेशलिटी के साथ सिंगल डॉक्टर की प्रैक्टिस के साथ मैं अपना सेटअप रन कर सकता हूं yeah. regarding इंडिविजुअल डॉक्टर्स अपना छोटा सा सेटअप बना करके बैठना चाहते हैं सो अगेन दैट इज पॉसिबल उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट है या फिजियोथेरापिस्ट है या आई ऑलवेज इसमें यह है कि अगर आप खुद प्रैक्टिस करने वाले हैं सो so, वो सेटअप्स आर मोस्टली सक्सेसफुल कि आपके सेटअप में आप खुद ही बैठ करके दे रहे हैं क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ अ सर्विस सेक्टर हाउ यू अप्रोच अ पेशेंट एक इट चेंजेस व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब एट अ सेंटर और ये बहुत ही पर्सनल होता है You're ये हेल्थ केयर इज सो सो वेरी पर्सनल उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस आर मच हायर सेकेंडली uh, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं ओवरऑल uh, जो क्लिनिक uh, सेटअप के अंदर जो मैं बता रहा हूँ आपको कि व्हाट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस जो इनिशियल जो Doctor है डॉक्टर मेन स्पेशल मेन है कि जो एचआर है ओके ह्यूमन रिसोर्स का जो है दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर इट्स नॉट द इक्विपमेंट इट्स नॉट द रेंट इट्स नॉट द एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग एक्सपेंस इट इज द मेडिकल पर्सनल उनके जो सैलरीज हैं दैट इज़ अज एक्सपेंसियन है तो अगर वो खुद आप खुद वहाँ पे बैठ के करने वाले हैं तो द चांसेस ऑफ इट सक्सेडिंग इज क्योंकि इसमें चाहिए होता है कि एक टाइम uh, तो हो सकता है छः महीना हो सकता है एक साल का अपने बैकअप uh, रखना होता है इफ़ यू आर योर सेल्फ वर्किंग सो इट विल बी एन इन्वेस्टमेंट

इन दै रिगार्ड उसमें पॉपुलेशन uh, है so, बहुत सारे pockets हैं और इट्स वेरी हाँ, फार एक तो दूसरा बहुत सारे जो है क्योंकि कॉन्सेंट्रेट अभी जो है सिर्फ बड़े बड़े सिटीज ही में है इफ एट ऑल आप चले जाए आज जो है मैं जो पेशेंट आते हैं ऑलमोस्ट डेढ़ सौ से दो सौ किलोमीटर तक का ट्रेवल करके आते हैं करके आते हैं तो आप समझे अगर हाँ, नहीं है तब पेशेंट वहां से आ रहे हैं तो स्पेस अगर आप सोहार से लेकर के अकर तक चले जाए इसी में कम से कम तीन चार गुड पॉपुलेशन के पॉकेट बिल्कुल जहां पे अभी तक कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है नहीं लास्टली फार्मेसी बिजनेस हाउ मच सक्सेसफुल तो नहीं कहने चाहिए लाइक like ये वो बिजनेस है जो डॉक्टर साहब आई एम नॉट रॉन्ग हर जगह हर, सोसाइटी uh, uh, में हर जगह लेकिन like बिजनेस है चैलेंजेस तो नहीं है हमारे लिए यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज रूल्स रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ऑल दैटे जो ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर है ओमान में इट्स वेरी स्ट्रिंजेंट इट इज वेरी रेगुलेटेड चाहे वो कोई भी सेटअप है चाहे वो क्लिनिक हो चाहे फार्मेसी हो कुछ फर्स्ट थिंग इज देर आर नो शॉर्टकट्स इन दिस डेफिनेटली कि हमें लगे, लगे कि हम वन नाइट स्टैंड पे हाँ बस पे ये वाले यहाँ पे जो है एक सक्सेस का एक जो मंत्र है यहाँ का कि फॉलो द रेगुलेशन डेफिनेटलीज यू की आपने सर्विस देना है दिस इज अ सर्विस सेक्टर ऑलवेज इन ए ट्राई टू सी कि यू कैन ऐड सम वैल्यू टू योर सर्विसेज हाउ बेटर यू कैन डू इन द सेम कॉस्टिंग आप एक सामने वाले की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये चीज़ के लिहाज से आप पहले फोकस अगर करते हैं तो सेकेंडली फार्मेसी ओवरऑल जो है इसमें देखें मार्जिन जो फैक्टर्स उसमें आ सकते हैं कि हाँ फ्लो कैसा है उस पे पेशेंट्स कैसे हैं क्योंकि फार्मेसी में भी अगर दो किस्म की फार्मेसीज होती हैं एक जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड फार्मेसीज होती हैं और एक जो ओटीसी बेस्ड होती हैं बहुत सारे जो फार्मेसीज हैं जैसे मॉल्स के अंदर हैं या शॉपिंग मार्केट्स के साथ में जो लगी हुई है तो वहाँ पे कॉस्मेटिक्स uh, और ओटीसी प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा मूव uh, होते हैं सो अगेन फुटफॉल्स वगैरह देख करके मॉल्स के अंदर दैट ऑप्शंस आर देयर बस उसमें जो टाइमिंग्स शुड बी मोर एक्सटेंडेड देयर मे बी रिक्वायरमेंट ऑफ मोर देन वन फार्मासिस्ट और uh, यहाँ पे क्रेडिट साइकिल का भी एक uh, है सिस्टम जहाँ पे यू कैन रोल ओवर थिंग्स अराउंड टू टू थ्री मंथ्स का तो हर जगह पे मिल ही जाता है क्रेडिट साइकिल एक्सपायरीज के इश्यूज और वो सारी चीज़ें होती है विथ वॉल्यूम्स ओनली यू कैन ब्रिंग डाउन योर परचेज एन सो या इफ यू फॉलो द रेगुलेशंस यू कैन स्टार्ट स्मॉल एंड यू कैन देन ग्रो फॉरवर्ड एन

एज अ कंट्री जो बड़े ब्रांचेज है दे हैव लाइक इन डबल टू ट्रिपल डिजिट फार्मसी सो जो उस किस्म के फार्मसी थे जनरली दे गो एंड अक्वायर फार्मासज अभी तक यहाँ पे ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल का आई हैव नॉट हर्ड ऑफ प्रोबेबली प्रोबेबलीर मे बी अ न्यू ट्रेंड दैट मे बी कमिंग अप बट यू में है बट यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल काम नॉट श्योर आप अपना खुद का स्टार्ट करें ब्रांड इड देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप अभी तक के यहाँ पे ब्रांडिंग करके फार्मेसी बिजनेस नहीं किया Still गया नहीं किया गया बिल्कुल देर आर वेरी फ्यू अभी जैसे बूट्स फार्मेसी दे हैव कम वेरी फ्यू फार्मेसीज एज अ ब्रांड दे हैव लॉन्च दमसेल्व बाकी जो चल रहे हैं ट्रेडिशनल फार्मासीज जो पुराने हैं वही है बट एज अ ब्रांडिंग करके और देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फार्मेसी बिजनेस में देर इज अ स्कोप डॉक्टर साहब पूरे दिन की थकावट के बाद आपकी मजीद एनर्जीज हम ट्रेनिंग करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने स्पेशल टाइम दिया एंड जितनी ज़्यादा बड़ी प्रोडक्टिव किस्म की और बड़ी यूज़फुल किस्म की इंफॉर्मेशन आपने हमारे व्यवर्स के साथ शेयर की और ये क्यूरीज मेरे पास लास्ट दो से तीन महीने से काफ़ी ज़्यादा जम्बला पौधे मुझे कोई एक ऐसा एक्सपर्ट नहीं मिल रहा था जिसको ला करके बैठा कर मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये तमाम चीज़ें शेयर कर सकूं बहुत शुक्रिया आपका आने का थैंक यू वेरी मच एंड व्यूअर्स मजीद आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स में अपना फीडबैक हंड्रेड परसेंट शेयर कर सकते हैं मजीद किस किस्म के टॉपिक्स पे व्लॉग्स बनाए जा सकें किस किस्म के टॉपिक्स को आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके जहां रहें खुश रहें अपना ख्याल रखिएगा मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज